अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराय साहब। सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स, यानी जितने भी हम काम वॉलंटरी कंट्रोल के तहत कर रहे हैं वो दरअसल न्यूरॉन्स की मदद से होते हैं। न्यूरॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड ब्रेन सेल्स विच आर ओनली प्रेजेंट इन द ब्रेन इन बिलियंस। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड सेल बॉडी। इसमें न्यूक्लियस होता है जो पूरे सेल को एनर्जी देता है। दीज आर दी डेंड्राइट्स, ये एक ब्रांचिंग ब्रांचेस होती हैं। डेंड्राइट्स मीन्स ब्रांचेस। दीज रिसीव मैसेजेस फ्रॉम दी अदर सेल्स। दूसरे जो सेल है जहाँ पर भी एक इस तरह से एग्जॉन टर्मिनल्स होंगे एक दूसरे सेल के, यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर गिरेगा। यहाँ से ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर गिरेगा। ये साइनेप्स है, यहाँ पर ये साइनेप्स है, बीच में जो गैप है। डेंड्राइट्स इस सिनेप्स में गैप में जो न्यूरोट्रांसमीटर गिर रहा है यहाँ पर आएगा, इस जगह पर, यहाँ से होता होता ये इसके अंदर जाएगा। तो इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर ट्रैवल करेगा। कब ट्रैवल करेगा? जब यहाँ पर थ्रेशोल्ड प्लस जो है ना -70 से +40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये जब इतना हो जाएगा, जब +40 होगा तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर ट्रैवल करेगा। इन ब्रांचेस से जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स मीन ब्रांचेस, एग्जॉन पासिस मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स, मसल्स आर ग्लैंड। अब यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर पहले से भरे हुए थे, यहाँ से बहरहाल जो करंट आया ना, ये करंट इसमें से गुजरता जाएगा। अब यहाँ से भी इसको मौका मिलेगा, मसल यहाँ से इसको मौका मिल गया, ये यहाँ पर आ गया। जो यहाँ पर बिल्कुल एंड पे एक डॉट था ना, टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ द एग्जॉन फ्रॉम जंक्शन विद अदर सेल, यहाँ पर दूसरी जो न्यूरॉन्स हैं उनका डेंड्राइट्स होंगी, यहाँ पर डेंड्राइट्स होंगी दूसरे न्यूरॉन की। इसको धक्का लगेगा और ये साइनेप्स में जा गिरेगा। यहाँ पर एक गैप होता है जिसको हम इस गैप को हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स मीन्स गैप। यहाँ पर ये गैप पाया जाता है, यहाँ पर ये गिरेगा और फिर ये अगले की तरफ चला जाएगा। और ये काम बहुत ही तेज़ी से होता है। न्यूरल इंपल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो ट्रैवल डाउन टू एग्जॉन, बेसिकली ये करंट की फॉर्म में आते हैं। जो ही मसलन हमने चाय का कप उठाना है तो अब ये स्टिमुलेशन मिलनी है, जो कि यहाँ से इंफॉर्मेशन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, यहाँ से ही होती जाएगी और आगे आगे पास ऑन होती है। इसके बाहर एक आउटर प्रोटेक्शन है, एक आउटर कवरिंग है, ये यहाँ पर ये जो आउटर कवरिंग है बाहर लगी हुई, ये माइलिन शीथ कहलाती है, जो कवर किए रखती है इस चीज़ को, इस तरह से कि अब ये सारा जो है सिस्टम चलता है न्यूरॉन्स का। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है। इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, और जिस तरह बाकी सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जो लिक्विड है ना इसके अंदर, ये वाला, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये जो लिक्विड है ना, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसी तरह से ये जो है हमारे पास, ये न्यूक्लियस कहलाता है। अच्छा, और ये मैंने बताया कि ये माइलिन शीथ कहलाता है। सोमा ऑफन सर्कुलर इन शेप फर्निशेस द सेल विद न्यूट्रिएंट्स एंड मैन्युफैक्चर्स केमिकल्स यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमने देख लिया कि ये डेंड्राइट्स होती हैं, ये जो ब्रांचेस हैं ये डेंड्राइट्स हैं, और एग्जॉन जो मिडल है वो है, और माइलिन शीथ है। ये तो बहुत ईजी है। आगे टाइप्स भी हमने देख ली कि टाइप्स हैं सेंसरी दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन या टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दीज आर कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स को ही हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहा करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन्स। और इंटर न्यूरॉन्स आर बेसिकली द न्यूरॉन्स दैट इंटरकनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स विद मोटर न्यूरॉन्स। इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, जो कि इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सारा काम होता कैसे है इन सब के बीच में। न्यूरल इंपल्स इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द एग्जॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। जैसे मैंने बताया ये टर्मिनल बटन्स होते हैं, एग्जॉन फ्रॉम अदर न्यूरॉन, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पर ना एग्जॉन टर्मिनल था मसलन। अब ये डेंड्राइट्स हैं अगले न्यूरॉन की, यानी ये एग्जॉन टर्मिनल है और ये डेंड्राइट्स हैं अगले न्यूरॉन की। ये न्यूरॉन ए है, ये न्यूरॉन बी है। यहाँ से धक्का लगेगा न्यूरोट्रांसमीटर को और ये यहाँ पर पहले थोड़ी देर
हवा में जिस तरह मोलक होता है, बहुत ही जल्दी से ये काम होता है, इतनी देर से नहीं होता जितनी देर में ये यहाँ पे कहीं पे अटक जाता है, किसी वाले पे, किसी वाले एंड पे भी। यहाँ से जो ही ये अटकता है तो इसमें इधर धक्का पड़ता है आगे, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है जो इस पूरी न्यूरॉन के अंदर जाता है, और अगेन ये ऐसे ही जाता है कि ये यहाँ से पास होता होता इस इधर धक्का दे देता है, इलेक्ट्रिक करंट है जो। और इसका क्या है, इसकी थ्रेशोल्ड क्या है, -70 से +40, -70 से +40 में। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शन क्या होती है, डेंड्राइट से एक्सॉन से होता हुआ ये एक्सॉन टर्मिनल में से निकल जाता है। साइनेप्स क्या होती है, साइनेप्स इज द गैप बिटवीन एंड ऑफ ईच न्यूरॉन एंड द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट, पिछले का दुम और अगले का मुंह उसमें ये गिरेगा। दिस जंक्शन इज नोन एज साइनेप्स, टू ब्रिज द गैप एंड गेट द न्यूरल मैसेज अक्रॉस द नेक्स्ट न्यूरॉन इन लाइन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द एक्सॉन इज चेंज टू केमिकल ट्रांसमिशन। अब जो ही जो करंट है ना, जो ही जो ये न्यूरॉन के अंदर आता है तो ये चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल ट्रांसमिशन में आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर तो केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर्स है ना। दरअसल दिस सिग्नल इज कैरिड बाय केमिकल मैसेंजर्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द सिनेप्स, ये इज कॉल्ड प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ टर्मिनल बटन, स्वेलिंग फिल्ड विद टाइनी पॉकेट्स आर वेजल्स। वेजल होता है गठिया, एक एक तरह की एक टोकरियाँ सी बनी हुई होती हैं, दैट स्टोर केमिकल्स अक्रॉस दी गैप्स ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अच्छा, ये सारा पैराग्राफ बच्चों को, स्पेशली जिन्होंने साइंसेस नहीं पढ़ी हुई ना, उनको बड़ा मुश्किल लगता है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या है प्री सिनेप्टिक और पोस्ट। ये तो समझ आई ना कि यहाँ पर दो न्यूरॉन्स हैं, एक में से गिर रहा है न्यूरो ट्रांसमीटर, एक में से कैप्चर हो रहा है। जहाँ से गिर रहा है ना, इसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, और जो कैप्चर कर रहा है ना, मसलन ये कैप्चर कर रहा है बी, इसको पोस्ट सिनेप्टिक कहेंगे। ठीक है, सिनेप्स गैप, प्री वाला पहले वाली, पहले वाला गैप, पोस्ट बाद वाला गैप, इन दोनों के बीच में जो गैप है, और इन दोनों में स्टोर क्या हुआ है, न्यूरोकेमिकल्स। जो इम्पल्स आई थी वो करंट की फॉर्म में थी, -70 से +40 की रेंज में थी, जो कि बिजली का करंट आया था। यूं ही बिजली का करंट आकर इसको छू लेता है ना, एक्सॉन टर्मिनल को, यहाँ पर डेंड्राइट को, ये यहाँ पर छूते ही करंट नहीं रहता बल्कि वो चेंज हो जाता है केमिकल में, जो केमिकल्स है ना अंदर, उनके अंदर वो एनर्जी अपनी मुंतकिल कर देता है। ये ऐसी है कि जैसे सॉकेट्स में तो बिजली आ रही है, लेकिन जो ही हम मोबाइल चार्जर लगाते हैं तो वो अब बैटरी में स्टोर होना शुरू हो जाती है, अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, ये भी अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दरअसल केमिकल ट्रांसमिशन में चेंज हो जाती है, तो अब वो कंडक्शन जो है वो न्यूरोकेमिकल्स की, न्यूरो ट्रांसमीटर को धक्का दे देती है। दिस प्रोसेस ऑफ केमिकल ट्रांसमिशन इज़ कैरिड बाई मैसेंजर्स कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन आपने याद करनी है। व्हेन अ न्यूरल इम्पल्स ट्रेवल्स डाउन टू एक्सॉन एंड अराइव्स एट द एक्सॉन टर्मिनल्स, इट ट्रिगर्स द सेक्रीशन ऑफ अ केमिकल कॉल्ड अ न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस ट्रेवल अक्रॉस द सिनेप्टिक गैप एंड स्टिम्युलेट द नेक्स्ट न्यूरोन। ये सारी बात इन्होंने इसमें बताई है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर बेसिकली केमिकल्स, चार तरह के होते हैं, उनके मसलन नाम्स हैं डोपामीन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, और भी होते हैं इसके अलावा, लेकिन ये मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। सिंगल न्यूरॉन डिस्चार्जेस आर फायर्स व्हेन द स्टिमुलेशन रीचेस द थ्रेशोल्ड लेवल। हमारी बुक में इन्होंने नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसका। यू न्यूरॉन फायर्स इन अ सिंगल ब्रीफ बर्स्ट एंड देन इनएक्टिव फॉर अ फ्यू थाउजेंड ऑफ अ सेकेंड, थोड़ी देर के लिए फिर रुक जाता है, फिर अगला बर्स्ट करता है अपना। तो इस तरह से ये काम करता है। डायरेक्शन इसकी जिस तरह हमने बताई, ये सारे का सारा फंक्शन हर एक न्यूरॉन के अंदर हो रहा होता है, हर एक न्यूरॉन में ये हो रहा होता है। ये आपने इस टाइम पे याद नहीं करना, अगर स्टिल आप बीएस साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तब आप याद करेंगे, अगर आप बीएस के कोई माइनर सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं तो फिर आपने ये सब कुछ याद नहीं करना। लिखा हुआ क्या है, इस चीज़ को कहते हैं ऑल आर नन प्रिंसिपल। ऑल आर नन प्रिंसिपल क्या है, या तो ये बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऑल आर नन, या तो थ्रेशोल्ड अगर 39 है तो भी बर्स्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं एक्टिव होगी, अगर 40 भी हो जाता है तो भी होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम माचिस की तीली लगाते हैं तो थोड़ी सी चिंगारी भी है तो भी आग जल जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही हमने अलाव रोशन किया हुआ हो। तो ऑल आर नन कि जो ही उस थ्रेशोल्ड को, जो ही वो -70 से ऊपर जाएगा तभी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कंडक्ट हो जाएगी, और जो ही वो अपने थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुँच जाता है वहीं पर ही वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो साइज ऑफ न्यूरल इम्पल्स इज कॉन्स्टेंट एंड कैन नॉट बी ट्रिगर्ड बाय अ स्टिमुलस अनलेस इट रीचेस थ्रेशोल्ड लेवल। जो ही थ्रेशोल्ड अचीव हो जाएगी स्टिमुलेशन भी हमारी कंडक्ट होना शुरू हो जाएगी। मिलते हैं अगले क्लिप में, मेरे चैनल से बंधे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।